everyone, welcome to my channel. So let's start with today's video. So the next topic we are going to discuss is hexose sugar. Hexose, you will see 6 carbon atoms in it. Hexose sugar, if we talk about its general characteristic, hexose sugar is white crystalline sugar. They are sweet in taste and soluble in water. It is having, for example, glucose, fructose, galactose, mannose. First, we are going to discuss about glucose. And you know, it is C6H12O6, most important sugar in nature. It is going to oxidize and it will provide energy in the form of ATP. Glucose is also called grape sugar और ब्रेन शुगर. ये जो नेम्स है आपको याद रखने होंगे बिकॉज इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. लेट्स ड्रॉ इट स्ट्रक्चर. 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमको एक ही काम करना होता है, इसका कार्बन स्केलेटन ड्रॉ करना है. इट इज एल्डो शुगर, ठीक है. इसमें एल्डो ग्रुप होता है, तो आपको मैंने लास्ट सेक्शन में क्या बताया था, एल्डो ग्रुप हमेशा कार्बन नंबर 1 पे होता है लाइक दिस. उसके बाद 1, ये सारे जो कार्बन है OH, 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 OH and H लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ. इधर जो हाइड्रोक्सिल की जो पोजीशन है दैट विल बी हियर एंड रेस्ट यू हैव टू एड हाइड्रोजन एवरीवेयर. अब हम फटाफट काउंट करते हैं. यहां पे 6 कार्बन हो गए, 6 ऑक्सीजन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ऑक्सीजन पे हो गए, 12 हाइड्रोजन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो जो स्ट्रक्चर है फॉर्मूले से मैच हो गया. This is the open structure of glucose. Now this will make the ring structure. So for making the ring, जो ring बनती है इस केस में वो first carbon और fifth carbon के बीच में बनती है. Just remember the number first, second, third, fourth, fifth and sixth one. तो जो ring बनानी है हमको वो first carbon और fifth carbon के बीच में बनेगी. तो उसके लिए सबसे पहले जो रिमूव होता है वो ये दोनों चीजें रिमूव होती है इन फॉर्म ऑफ वाटर एंड यू विल गेट स्ट्रक्चर लाइक दिस. कार्बन के 6, अब ये जो ऑक्सीजन है वो फर्स्ट और फिफ्थ को जॉइंट कर देगा, बेंड हो जाएगा स्ट्रक्चर. उसके बाद जो बाकी की चीजें हैं वो सेम रहने वाली है. OH, H, यहां पे जो है वो H रहेगा, यहां पे H, OH, यहां पे H, OH, OH, H, ठीक है. बाकी चीजें जो है वो सेम ही रहने वाली है. अब आप देख सकते हो यहां पे कि ये जो फर्स्ट कार्बन है इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसके सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बिजी हैं, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी फ्री हैं. सो व्हाट विल हैपन, दिस हाइड्रो और वाटर मॉलिक्यूल विल स्प्लिट इनटू हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन एंड दे विल कम एंड कनेक्ट हियर. सो आप देख सकते हो कि इसकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो सेटिस्फाई है, इसकी वैलेंसी जो है पूरी सेटिस्फाई हो चुकी है और फिफ्थ कार्बन के मैटर में भी सेटिस्फाइड वैलेंसी यू कैन सी.
ऑल द फोर इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाइड. नाउ लेट्स ड्रॉ द रिंग. जब हम रिंग ड्रॉ करेंगे सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज रिंग शुड हैव फाइव कार्बन इन इट. फाइव कार्बन क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ फाइव के बीच में बॉन्डिंग हो रही है. तो 1, 2, 3, 4, 5. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हेन यू आर ड्रॉइंग द रिंग शुड हैव फाइव कार्बन इन इट. सो हाउ वी हैव टू ड्रॉ, दिस इज द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन से दो कार्बन कनेक्टेड है. सो यू विल गेट अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. ये ऑक्सीजन से कार्बन 1 and 5 कनेक्टेड है. तो यहाँ पे जो कार्बन होगा वो फर्स्ट होगा और यहाँ पे जो कार्बन है वो फिफ्थ है. यहाँ पे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ विल बी हियर. इन दिस स्ट्रक्चर यू आर सीइंग दैट देयर आर फाइव कार्बन्स एंड वन ऑक्सीजन. दिस रिंग स्ट्रक्चर इज नेम्ड एज पाइरानोज. आई टोल्ड यू ना हियर फाइव कार्बन इज देयर विद वन ऑक्सीजन. ओके, इन दिस रिंग स्ट्रक्चर नाउ दिस इज कार्बन वन. कार्बन वन का आपने क्या ड्रॉ कर लिया है? सी ड्रॉ कर लिया है, ओ ड्रॉ कर लिया है. ठीक है, ओ यहाँ पे है, सी यहाँ पे. व्हाट यू हैव टू ड्रॉ नेक्स्ट? एच एंड ओ एच. तो आप किस तरीके से करेंगे? यहाँ पे एच लिखेंगे, यहाँ पे ओ एच लिखेंगे. फिर आते हैं सेकेंड नंबर पे. सेकेंड नंबर पे भी एच एच ओ एच, सेम सेम. थर्ड नंबर पे आपने देखा स्वाइप्ड है, तो स्वाइप्ड है इसीलिए आप यहाँ पे उल्टा कर देंगे. एच एंड ओ एच यू विल मेंशन. देन फोर्थ कार्बन पे सेम जैसा फर्स्ट एंड सेकेंड पे था, एच ओ एच. जो फिफ्थ है, फिफ्थ में भी ओ इज द एच एंड यू विल सी. ठीक है, तो ओ यहाँ, एच यहाँ पे है और ओ, तो एच यहाँ पे, ओ यहाँ पे. सिक्स नंबर पे सी एच टू ओ एच. होप यू अंडरस्टैंड द डायग्राम. अगेन आई एम टेलिंग यू दिस दैट यू हैव टू मेक द बॉन्ड बिटवीन फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन. उसके लिए आपका ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, आपको ऐसा रिंग बनाना है जिसमें आप एक ऑक्सीजन और पांच कार्बन को अकोमोडेट करा सके. ऐसे स्ट्रक्चर जो होता है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है एंड दिस रिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज पाइरानोज रिंग. एंड यू विल सी दैट फाइव कार्बन हैव एंड वन ऑक्सीजन इज देयर. देन जो बाकी के ग्रुप्स है और हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल्स है, उनको आपको किस तरीके से अरेंज करना है दैट यू शुड अंडरस्टैंड. आप देखोगे तो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, ये जो कार्बन है इनके हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल का सेम डायरेक्शन है. बट थर्ड पे जब हमने रिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया था तो थर्ड पे स्वाइप कर दिया था. तो सेम यू हैव टू डू, स्वाइप कर देना है. ऊपर हाइड्रोक्सिल और नीचे की तरफ हाइड्रोजन आएगा, रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम. देन अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज. एज यू नो फ्रक्टोज इज ऑल्सो हेक्सो शुगर. फ्रक्टोज इज स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर. स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर. इट इज अ कीटोज शुगर. प्लस यू कैन ऑल्सो कॉल इट फ्रूट शुगर. तो ज्यादातर जो हम फ्रूट्स खाते हैं उसमें जो शुगर होता है वो फ्रक्टोज शुगर ही होता है. आई टोल्ड यू इट इज कीटोज शुगर. सो लेट्स ड्रॉ इट्स चेन स्ट्रक्चर. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Whenever we are drawing the keto sugar, the second carbon is having ketone group and the first and the last carbon will remain same. That is OH, H, OH, H. जो पहला और आखिरी keto sugar के केस में एकदम same होता है और जो कीटो ग्रुप होता है वो सेकेंड कार्बन पे होता है. प्लस एच एच ओ एच ओ एच ओ एच. दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज. लेट्स ड्रॉ द रिंग स्ट्रक्चर. नाउ इन दिस द रिंग विल फॉर्म बिटवीन द, लेट मी नेम इट फर्स्ट.
The ring will form between second and this fifth carbon. Second और fifth carbon के बीच में ring structure बनेगा. तो उसके लिए इस oxygen को remove होना पड़ेगा. And this ring will be like this. Okay, this is how the structure will be there. Now, as you are seeing there, in this case, oxygen is between the second and fifth, and here in total there are four carbon. So the ring which will be formed here is this ring. Which ring? Furanose. मैंने आपको पहले बताया था जहां पे भी चार कार्बन एंड एक ऑक्सीजन होगा उसे आप फ्यूरानोज रिंग कहेंगे. सो ये फर्स्ट ऑक्सीजन है जो कनेक्टेड है सेकेंड और फिफ्थ कार्बन के साथ. तो ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड सिक्स्थ वन विल बी हियर एंड फर्स्ट वन विल बी हियर. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. सो फ्रक्टोज के पास छह कार्बन है बट वो फ्यूरानोज रिंग ही बनाएगा. देन सेकेंड एंड फिफ्थ के बीच में है. सो आप स्ट्रक्चर से ये समझ सकते हैं कि हाउ दैट विल बी प्लेस्ड, रिंग में किस तरीके से कौन सा कार्बन कहाँ पे होना चाहिए. तो अब देखते हैं कि जितने भी कार्बन है उसमें किस तरीके से हम एच ओ एच को एड करते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन नंबर वन है. सो कार्बन नंबर वन जो है वो सी एच टू ओ एच है एंड टू पे अब आप देख सकते हैं कि जो वैलेंसी है कार्बन नंबर टू की वो सेटिस्फाई कितनी हो रही है. तो एक, दो, तीन. तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन का क्या? सो ये जो यहाँ से ओ एच रिलीज हुआ है वो ओ एच को हमें यहाँ पे ऐसे एड करना है टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वैलेंसी. थर्ड वाले पे अगेन एच ओ एच. फोर्थ पे आप देखना, सॉरी थर्ड वाले पे जो था वो स्वाइप था तो एच ओ एच. अब यहाँ पे आपको क्या करना है इस तरीके से, फिर एच ओ एच. फिफ्थ वन इज हैविंग जस्ट वन हाइड्रोजन एंड फिफ्थ से कार्बन जो कनेक्टेड है वो इस तरीके से होगा. तो हर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है एंड द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज विल बी लाइक दिस. नाउ द लास्ट वन विच इज लेफ्ट हियर टू डिस्कस इज अबाउट द गैलेक्टोज. आई एम गोइंग टू टेल यू गैलेक्टोज जस्ट इट्स चेन स्ट्रक्चर. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स. एज इट इज अ एल्डोज शुगर सो यू नो वेरी वेल कि हम फर्स्ट कार्बन पे एल्डोज एड करते हैं. बाकी का जो है ओ एच, थर्ड वन एंड फोर्थ, इन बोथ केसेस इट विल बी लाइक दिस एंड फिफ्थ अगेन सेम. ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और अगर पहले जैसा लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं. ठीक है, अब आपको सिर्फ हाइड्रोजन ऐड करना है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज. हियर इन थर्ड एंड फोर्थ कार्बन देयर विल बी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ओएच. सो दिस इज ऑल अबाउट द मोनोसैकेराइड. इन मोनोसैकेराइड पेंटोज एंड हेक्सो शुगर पे हमने ज्यादा ध्यान दिया है बिकॉज वही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इस स्टेज के लिए इतना ही जानना आप लोगों के लिए बहुत है. सो जब हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था अबाउट द पेंटोज शुगर एंड इट्स ओपन एंड रिंग स्ट्रक्चर एंड इस सेक्शन में मैंने आपको बताया कि फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का रिंग एंड जो ओपन स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है. प्लस आई हैव टोल्ड यू हाउ दिस ओपन चेन विल कन्वर्ट इनटू अ रिंग स्ट्रक्चर. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ दीज मोनोसैकेराइड हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ डाइसैकेराइड. सो इनफ फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.
Till then, take care, keep learning, be safe. Goodbye.